गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जाने वाले हैं हम नीलकंठ दर्शन को और मैं अभी निकला हूँ थोड़ी देर पहले। 11 बज चुका है, निकलना सुबह था लेकिन नहीं निकल पाया, थोड़ा लेट हो गया। तो चलते हैं आज नीलकंठ बाबा के दर्शन करने, नीलकंठ महादेव जाएंगे। और हरिद्वार से जो दूरी है वो है करीब 70 किलोमीटर है यहाँ से, और हम जाएंगे पहले ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर हम जाएंगे नीलकंठ। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ती है, कहाँ से होके जाते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि नीलकंठ जाने के लिए ना दो रास्ते हैं, तो जो चीला और राजा जी नेशनल पार्क होते हुए जाता है वो थोड़ा ट्रैफिक उस पर कम रहता है, और एक जो रेगुलर रास्ता है हाईवे का वो एक, और दूसरा है जो दोनों ऋषिकेश ही जाते हैं रास्ते। तो अभी मैं जाऊंगा हाईवे वाले रास्ते से, क्योंकि पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जंगल वाले रास्ते का, तो वो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा ऊपर। और मैं इधर से चलूंगा नॉर्मल वाले रास्ते से, हाईवे से, और दिखाता हूँ आपको। तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक तो नॉर्मल है, प्लेन है, और फिर ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के दर्शन को जाएंगे तो वो रास्ता सारा पहाड़ी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। कल हरिद्वार में हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश, तो लग रहा था मुझे कि आज मौसम नहीं खुलेगा, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है, और सफ़र करने के लिए तो ऐसा मौसम होना चाहिए क्योंकि जाड़ा भी नहीं लगना चाहिए। यह है ओम घाट, मेरे कई सारे वीडियोस में मैंने दिखाया है इसको, और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है स्पेशली इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है, हरिद्वार में ही है, और चलते हैं आगे। और इसी केस यहाँ से 24 किलोमीटर है, और अभी हम हरिद्वार में ही हैं। पिछले 15 मिनट से काफ़ी जाम था पीछे, हर जगह हाईवे वगैरह का काम चल रहा है, रोड वगैरह बहुत ज़्यादा खुदाई चल रही है। ये देखो इधर देखो, हरिद्वार में इस समय बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इसलिए जाम बहुत ज़्यादा लगता है इधर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो चलते हैं आगे। एक तो हरिद्वार में ऑटो वाले इतने हैं ना, हर जगह जाम लगा देते हैं ये ऑटो वाले, इनके लिए कोई रूल भी नहीं है। अब ये देखो आगे कहीं से भी मोड़ देते हैं ये लोग। नज़ारों का लुत्फ लीजिए। बाद एक खुली रोड मिली है, पूरा जाम ही जाम था शहर में, डाइवर्जन कर रखे हैं इन्होंने क्योंकि रोड बन रही है हर जगह पे, तो इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है इस टाइम। मंदिर है, किसी दिन आऊँगा मैं इसको घूमने, तब बनाऊँगा इस वीडियो में, फिलहाल हम आगे चलते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे, और अभी मैं हरिद्वार में ही चल रहा हूँ क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था तो निकल नहीं पाया। चलते हैं आगे। हरिद्वार है मंदिरों का शहर, और एक ये और मंदिर था, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। चलते हैं आगे। हरिद्वार में हर जगह आपको नए नए तरह के स्मारक और मंदिर देखने को मिलेंगे, और हरिद्वार में होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो होटल्स तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। धर्मशालाएं बहुत ज़्यादा हैं, धर्मशाला में बहुत लोग रुकते हैं। आगे बन रहा है फ्लाईओवर,
देखते हैं फिर से जाम ना लगे, बस इस बार निकल जाएं। तो बस हम समझ लो हरिद्वार से निकल गए। खैर लग तो खाली रहा रोड, बस थोड़ा सा और रह गया, बस हरिद्वार निकल जाएं तो एक बार सही रोड पे आ जाएंगे। फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि आगे ज़रूर कुछ ना कुछ जाम वगैरह लगा है शायद। हाँ जाम है, लो फिर से एक जाम मिल गया, और ये फ्लाईओवर बन रहा है तो जाम तो लगना ही था। 40 मिनट बर्बाद हो चुके हैं और अभी भी हम हरिद्वार में ही हैं, निकल नहीं पा रहे हैं हरिद्वार से। पता नहीं कब तक रहेगा ये जाम। तो फाइनली हरिद्वार से बाहर आ चुके हैं, और ये जो पीछे फ्लाईओवर बन रहा था, एक्चुअली क्या है कि हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश जाते हो या देहरादून जाते हो तो रास्ते में क्रॉसिंग पड़ती है, तो उस क्रॉसिंग को बाईपास करने के लिए ये फ्लाईओवर बन रहा है। और हाईवे है तो जैसे ही मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग को बाईपास करने के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत जाम लगता है हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते पर। तो ये क्रॉसिंग होगी बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ बहुत ही अच्छी, हम अभी रुक के बताता हूँ, चलो। हम अभी पहुँच गए हैं राजा जी टाइगर रिज़र्व। जब भी आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे या देहरादून जाओगे इस हाईवे से, तो जैसे ही पहली क्रॉसिंग क्रॉस करोगे तो ये पड़ता है, और यहाँ पे लोग सफारी वगैरह भी कराते हैं। देखो यहाँ पे जिप्सी वगैरह पीछे खड़ी है, राजा जी टाइगर रिज़र्व मोतीचूर गेट, और पीछे क्रॉसिंग थी जिससे अभी हम आए। तो अभी हम जाएंगे इधर जिधर ये कार जा रही है, क्योंकि हमें जाना है ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ महादेव के दर्शन को। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो इतने सारे जाम के बाद हरिद्वार से निकले हैं बाहर, और ये जो रास्ता है, जो हाईवे है, ये मेन हाईवे है, देहरादून को भी यही जाता है और ऋषिकेश को भी यही जाता है। आगे एक जगह पड़ती है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि कहाँ से आप देहरादून के लिए मुड़ सकते हैं, अगर आपको देहरादून जाना है या ऋषिकेश जाना है, तो आप किधर को जाएंगे देहरादून और किधर को जाएंगे ऋषिकेश। तो चलो चलते हैं। तो हरिद्वार से निकलने के बाद जो सबसे पहला छोटा सा कस्बा पड़ता है, ये है रायवाला। और मैं बता दूं आपको कि रायवाला जो है एक रेलवे स्टेशन भी है। हरिद्वार से जब आप निकलते हैं आगे, तो सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है रायवाला। ये जो जंक्शन है, यहाँ से हरिद्वार से जो गाड़ी आती है देहरादून और ऋषिकेश के लिए, यहीं से ट्रेनें अलग अलग रूट पर चली जाती हैं। आपको दिख रहा होगा वो है रायवाला जंक्शन लिखा हुआ है, शायद नहीं दिख भी रहा हो और शायद ना भी दिख रहा हो, क्योंकि हमें चलना है सीधे। तो यही है, मतलब बेसिकली मैंने बता दिया आपको। और अब आगे चलते हैं रायवाला से और निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। ये हम नीचे से निकलेंगे और ऊपर देखो आपको दिख रही होगी ये रेलवे लाइन है जो रायवाला से आगे आई है। ये रेलवे लाइन देहरादून जाती है और ऋषिकेश के लिए अलग से चली गई है, दूसरी तरफ कट जाती है यहाँ से। सामने पहाड़ दिखना तो शुरू हो गए हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, जैसे लग रहा है अभी बहुत पास में है, लेकिन है बहुत दूर अभी तो, ऋषिकेश भी नहीं पहुँचे हम, और ऋषिकेश से भी आगे ये पहाड़ हैं। तो पहाड़ देखने में तो बहुत पास लगते हैं, लेकिन होते बहुत दूर हैं। बताया था कि अभी हम पहुंचने वाले हैं उस मोड़ पे जहां से ऋषिकेश और देहरादून के लिए रोड मुड़ जाती है अलग अलग दिशा में। तो मैं बताता हूं आपको, लो यहां पे भी जाम मिल गया मुझे। अब इस पुल को पार करना पड़ेगा आगे वाले, उसके बाद ही बता पाऊंगा। इतना जाम है कि
हर जगह धीरे धीरे ही निकलना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे पास हो रही हैं। यहाँ पे भी काम चल रहा है, उस मोड़ पे आ चुका हूँ और यहाँ से जो लेफ्ट कोई गाड़ियाँ जा रही हैं ये जा रही हैं देहरादून, और जो सीधे जाएंगे वो जाएंगे ऋषिकेश। तो मैं जाऊँगा सीधे, मुझे इधर को नहीं जाना है। और इस जगह को कहते हैं नेपाली फॉर्म, यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं ऋषिकेश, और उधर को जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो देहरादून जाती हैं। तो थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ मैं ऋषिकेश, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। हाँ लेकिन होगा अभी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 15-20 मिनट का रास्ता तो होगा अभी, क्योंकि ये छोटा सा यहाँ पे मार्केट है और इसको क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 10 मिनट तो लग ही जाएगा। चलो चलते हैं। ये जो जगह है इसका नाम है श्यामपुर, और इसके आगे अब ऋषिकेश शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। अभी ऋषिकेश जाने से पहले हमें एक और क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ेगी, और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में दो क्रॉसिंग पड़ती हैं, तो दूसरी क्रॉसिंग भी आ गई है। हाँ आ गई है, दिख रही है मुझे, और चलो खुली हुई है ये अच्छी बात है, वरना यहाँ पर भी जाम लगा होता। तो चलो क्रॉस कर लेते हैं क्रॉसिंग को। लो जी ये क्रॉसिंग क्रॉस हो चुकी है। तो ऋषिकेश शुरू हो चुका है, ऊपर देख सकते हैं गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, और ऋषिकेश शहर के लिए ये रास्ता सीधे है। अब यहाँ से ऋषिकेश शुरू हो जाएगा, तो चलते हैं आगे। और अपने को तो जाना है नीलकंठ महादेव दर्शन को, तो हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है वो मैं बताता हूँ अभी, कौन से रास्ते से जाना है। जाने वाले हैं सीधे, ये रास्ता चला गया है ऋषिकेश से अंदर शहर को, और हम जाएंगे बाहर बाहर, क्योंकि हम शहर के अंदर नहीं जाना चाहते, हम बाहर बाहर ही निकल जाएंगे ऋषिकेश से नीलकंठ को। तो प्लेन का रास्ता सारा हम लोग पार करके आ चुके हैं ऋषिकेश, और अब हम चलेंगे पहाड़ के रास्तों से नीलकंठ को। तो मुझे लगता है यहाँ से जो दूरी होगी लगभग 32 या 35 किलोमीटर होगा नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है, और कंफर्म करते हैं आगे किसी से, देखता हूँ कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, या कोई ना कोई मिलेगा तो उसे पूछता हूँ। फाइनली बोर्ड मिल चुका है कि ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, क्या बात है। ऋषिकेश काफ़ी सुंदर शहर है, बहुत ज़्यादा घूमा नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना मैंने घूमा है उतना तो बहुत ही खूबसूरत है। ये कौन आ रहे भाई साहब, ये नागा साधु थे और ऐसे ही रहते हैं। ऋषिकेश योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है, और पहाड़ों से गंगा जी होने के बाद सबसे पहले जो प्लेन में आती हैं वो ऋषिकेश में ही आती हैं, उसके बाद हरिद्वार जाती हैं। तो काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं यहाँ पे। है इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा तो हमें आगे जाके राइट मुड़ जाना है, क्योंकि हमें जाना है नीलकंठ महादेव। ठीक है ओके, चलते हैं आगे। हमें जाके आगे राइट मुड़ना है, लेकिन
कहाँ से मुड़ना है ये तो अभी दिख नहीं रहा है, लग रहा है पूछना पड़ेगा किसी से। चलो पूछते हैं। तो ऋषिकेश वाली रोड से हम राइट मुड़ के आ गए हैं इस वाली रोड पे, और ये रोड है कहाँ को जाती है मुझे खुद नहीं पता भी, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं आ गया हूँ तो। मैं सही हूँ अगर तो ये रोड जो है नीलकंठ को जाती है शहर से बाहर बाहर, तो देखते हैं कहाँ जा रही है ये। मैं सही रास्ते पर हूँ और अभी आगे मैं यहाँ से ले लूँगा राइट, क्योंकि मुझे जाना है नीलकंठ, और अगर मुझे सीधे जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा ऋषिकेश। ये एम्स का गेट है और मैं इसके सामने से ले लूँगा राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीलकंठ, तो मैं जाऊँगा इधर। तो मैं उस समय बैराज पे जो कि गंगा जी के ऊपर बना हुआ है, और इस बैराज को क्रॉस करने के तुरंत बाद मैं फिर से हो जाऊंगा लेफ्ट को, क्योंकि वही रास्ता जाता है नीलकंठ महादेव को। अगर मैं सीधे चला गया तो मैं पहुंच जाऊंगा हरिद्वार जंगल वाले रास्ते से, जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको, तो मैं यहां से ले लूँगा लेफ्ट। तो चलिए मुड़ जाते हैं। तो ये वो नहर है जो जाती है हरिद्वार को, और हम जाएंगे सीधे। तो यहाँ से नीलकंठ है 32 किलोमीटर, जैसा आपने देखा लिखा है, और ये एरिया भी राजा जी नेशनल पार्क के ही अंदर आता है, जैसा देखो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड भी, जंगल का एरिया है, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं पहाड़ों का सफ़र। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है कि मैं दूसरा पार्ट भी इसका बनाना पड़ेगा, तभी हम नीलकंठ पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊंगा और आपको यहां से फिर नीलकंठ का पूरा रास्ता और बीच बीच में कौन सी जगह पड़ती हैं वो सारी जगह एक्सप्लोर करते हुए हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन को। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।